नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंगारक दोष। आखिर क्या होता है ये अंगारक दोष, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये जो अंगारक दोष है, इसके लिए मंगल ग्रह और राहु ग्रह या केतु ग्रह की युति होना बहुत जरूरी है। युति का मतलब मैं बता दूं, जब मंगल ग्रह और राहु ग्रह या केतु ग्रह दोनों एक साथ किसी भाव में बैठ जाए तो इसे कहते हैं राहु मंगल की युति, और ये बनता है अंगारक दोष। जैसे कि अंगारक दोष नाम ही बताता है हमें कि अंगारों के समान, वही अंगारे जो अग्नि से प्रज्वलित हो रहे हैं। अग्नि हमें प्रकाश देती है, अग्नि हमें ऊर्जा देती है, अग्नि की तीक्ष्णता बहुत ज्यादा है। अब उन सब चीजों को जानने के लिए बारी बारी से हमें समझना होगा कि आखिर हमें मंगल ग्रह क्या देता है। जी हाँ, मंगल ग्रह देता है हमें ऊर्जा, मंगल ग्रह से मिलती है अग्नि। मंगल ग्रह एक प्रकार से फायरी प्लेनेट कहा जा सकता है, और मंगल कारक है युद्ध का, लड़ाई झगड़े का, मुकदमेबाजी का। हमारे शरीर में प्रवाहमान जो रक्त है, रक्त का जो रंग लाल है, वो मंगल के कारण होता है। मंगल कारक है जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, मिट्टी का, पहाड़ का, यानी कि जमीन या जमीन से निकलने वाली जो चीजें हैं वो मंगल के अधीन होती हैं। मंगल ग्रह हमारा लड़ाई झगड़े का तो है ही है, साथ में मुकदमेबाजी का, कर्जे का, और चोट इत्यादि लगना, कोई एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं होना। जब मंगल बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं तो कभी कभी सर्जरी करा देते हैं, और साथ में ये बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। उसी क्रोध के कारण व्यक्ति अपने खुद का काम खुद से ही बिगाड़ बैठता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। ये गुण ही व्यक्ति को अपनों से अलग कर देता है, यही गुण लोगों के साथ मित्रता नहीं होने देता, अपने स्वयं के संबंध अपने जनों से तथा बाहर भी खराब हो जाते हैं। ये स्थिति जो है अंगारक दोष की, व्यक्ति को बहुत कम आयु में ब्लड प्रेशर की बीमारी भी देती है। ये शरीर की गर्मी को बढ़ाने वाला योग है। इसी के कारण गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हमें जीवन में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मंगल साथ में ही कारक है अपने भाइयों का, यानी भाई जो होता है वो ज्योतिष में मंगल ग्रह से ही देखा जाता है। मित्रों, ये मंगल ग्रह की बातें हुई, यदि हम राहु को इसके साथ मिला दें, यानी कि राहु इसके साथ विराजमान हो जाए तो अंगारक योग बनता है। ये हाँ तो हम समझ ही गए, पर आखिर राहु ऐसा क्या कर देता है, राहु से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। राहु जो कारक है वो है बने बनाए काम को बिगाड़ने का। हम इसे नेचुरल बाधक ग्रह भी कह सकते हैं। राहु यदि मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल की कारक वस्तुओं के साथ विघन पैदा करेगा, लड़ाई झगड़ा पैदा करेगा। राहु कहीं पर भी जब शामिल हो जाता है, उसका काम खुराफात करने का हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं राहु ग्रह एक बहुत ही खुराफाती ग्रह है। राहु क्रिएट कर देता है टेंशन, ये राहु क्रिएट कर देता है इल्यूजन, जिसकी वजह से व्यक्ति वास्तव में समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसे लगता है जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक ही कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति कई बार दूसरों की बात को सुना अनसुना कर देता है, और जिसके कारण खुद खामियाजना उठाना पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हो उसे हानियां उठानी पड़ती है। आइए समझते हैं क्या क्या चीजें अंगारक दोष में होती हैं। नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा,
व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा होता है। नंबर दो, निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है, या कभी कभी व्यक्ति का मस्तिष्क तो अच्छा होता है फिर भी इस दोष के कारण उसके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित होने का भी चांस बहुत ज्यादा बन जाता है। नंबर तीन, रक्त से होने वाली बीमारियां भी उन्हें बड़ा परेशान करती है। नंबर चार, अपने भाई के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। नंबर पांच, बार बार चोट लगने का भय या ऑपरेशन होने का भय लगा रहता। नंबर छह, अधिक गुस्से की वजह से हिंसक प्रवृत्तियां उसमें पनपने लगती हैं। नंबर सात, उन्हें अग्नि से भय या करंट लगने की भी स्थिति आ सकती है। इन्हें ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के काम को बहुत सावधानी से करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर कई बार देखा गया है मिर्गी का रोग भी पैदा हो जाता है। नंबर आठ, कानूनी विवाद, यानी कि जमीन जब भी वो लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो व्यक्ति मुकदमेबाजी की तरफ चला जाता है। योग्य आदमी का साथ रखना चाहिए, साथ लेना चाहिए, एडवाइस को मानना चाहिए, हो सके तो किसी काबिल वकील को भी साथ में रख कर के ही जमीन की खरीद फरोख्त करें। अब मुद्दा आता है कि इस अंगारक दोष का क्या उपाय करें। तो उसका पहला उपाय, हमें मंगल ग्रह, राहु ग्रह या केतु ग्रह, यदि मंगल के साथ केतु बैठा है तो मंगल और केतु, अगर राहु बैठा है तो मंगल और राहु, इन दो ग्रहों की शांति विधि विधान से करवानी चाहिए। आप इसके लिए वैदिक मंत्र जाप का भी सहारा लिया जा सकता है। वैदिक मंत्र की खासियत ये होती है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव असर नहीं पैदा होता, या बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, बड़े सकारात्मक होते हैं। वैदिक मंत्र एक प्रकार की परमात्मा से भी की गई प्रार्थना है। दूसरा, मंगलवार के दिन मीठा जरूर दान करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, हनुमान जी को नमस्कार करें और साथ में हनुमान चालीसा के साथ पाठ जरूर करने चाहिए, और हो सके तो लाल रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए, यानी ज्यादा लाल रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। हमें यहाँ पर मंगल ग्रह की ज्यादा शक्ति बढ़ाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाना चाहिए और करना चाहिए, और अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। रोजाना रुद्राभिषेक करें, या रुद्राभिषेक अगर आपको नहीं करना आता है तो केवल शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, और बहुत सारा जल आपको आराम आराम से शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भाई और मित्रों को भूल करके भी धोखा ना दें, साथ में गायों को भी गुड़ खिलाने का प्रयास करें। हो सके तो मंगलवार के दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अपने जीवन में दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर शामिल कर लें। जो लोग भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, मंगल ग्रह भी संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। किसी मंदिर में मंदिर की चोटी पर जाकर के झंडा फहराएं, तथा एक उपयोग बहुत ही जरूरी मैं बता दूं आप लोगों को, कि मछलियों को दाना दें, मछलियों को खाना दें, छोटे छोटे रोटियों के टुकड़े या आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाना अत्यधिक शुभ होता है। ये अंगारक योग के लिए बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तथा मंगलवार और शनिवार के दिन कुत्तों को मीठी रोटियां बांट खिलाएं, ये उपाय करने से इस दोष को शांत किया जा सकता है। कंटिन्यूअस इन उपायों को फॉलो करें, आप देखेंगे कि ये ग्रह दोष कमजोर पड़ गया है। तथा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिनकी कुंडली में भी अंगारक दोष है उन्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए, उन्हें खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे देश में अक्सर स्त्रियां जो है
इस चीज का शिकार हो जाती है कि वो कोई काम विशेष रूप से, यहाँ पर काम से मेरा मतलब है कमर्शियल का, ऑफिशियल काम कई बार नहीं करती, क्योंकि हाउसवाइफ होती हैं, पर वो महिलाएं जिनकी कुंडली में ये योग हो, अंगारक दोष हो, उन्हें काम जरूर करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी का सदुपयोग हो सके। अन्यथा जैसा कि मैंने बताया है, इनमें थोड़े क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है, जिस क्रोध की वजह से अपने परिवार में ही वो तनाव की स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो ज्यादा बेटर है इन उपायों को अपनाइए, और हमारे कमेंट बॉक्स में या मेल पर जरूर लिखिएगा कि ये उपाय आपको कैसा लगा। इस उपाय को करने के बाद भी बताइएगा कितना लाभ हुआ। हमने इतने वर्षों से उपाय ये वाला करवा रहे हैं, जरूर लाभ हुआ है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।